Hey guys, Namaste और Juju. Welcome to my channel. This is Sunil Kumar Chakma. आज के इस टॉपिक में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी Right to Information Act 2005 के बारे में चर्चा करेंगे. इसमें हम अर्थ या एक्ट क्या है, कब बना, कैसे बना और कौन सा सूचना हमको प्राप्त करने का अधिकार है इत्यादि को जानेंगे. आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे. दोस्तों, We must know about the Right to Information Act 2005 क्योंकि ये अधिनियम भारत के हर एक सिटीजन को एम्पावर करता है ये जानने की कि सरकार उनके लिए क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं. जब से RTI एक्ट बने हैं, सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े हैं और करप्शन में भी बहुत कमी आई है. RTI एक्ट has been passed from Lok Sabha on 11th May 2005 and Rajya Sabha also passed it on 12th May 2005. उसके बाद 15 जून 2005 को President of India ने इसकी मंजूरी दी, जिसके बाद 12 अक्टूबर 2005 से ये अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया. Right to Information Act आने से पहले Freedom of Information Act 2002 काम करता था, पर उस अधिनियम से नागरिकों को उतना फायदा नहीं हुआ, जिसके कारण RTI Act को लाया गया. We must know that right to information is a fundamental right, जो भारत संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत freedom of speech and expression की definition में आते हैं. इस अधिनियम यानी right to information act 2005 के अंतर्गत आम नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी भी प्रकार का documents, records, office notes या फिर certified documents, certified records या किसी प्रकार की information जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया गया हो, उस सूचना को आम नागरिक RTI के जरिए प्राप्त कर सकते हैं. RTI petition can be filed in any government offices. It applies to all over India. पहले RTI Act 2005 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर आर्टिकल 370 और 35 ए हटने के बाद ये अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगा. जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में पहले जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 काम करता था. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आने से पहले दी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और अन्य कानून के तहत कुछ सूचना आम नागरिकों को प्राप्त करने पर रेस्ट्रिक्टेड था, पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आने से इन सब अधिनियम से हमें सूचना प्राप्त करने का रिलैक्सेशन मिला. क्या आप लोग जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग कहां से उठा? हम आपको बताते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग 1987 में राजस्थान के एक छोटे से गांव से उठा, क्योंकि कुछ मजदूरों को उनके काम करने का वेतन नहीं दिया गया था. उन मजदूरों को मजदूर किसान संगठन, जो कि एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, उनका समर्थन मिला. मजदूर किसान संगठन ने सरकार से उन मजदूरों का काम करने का रिकॉर्ड मांगा. रिकॉर्ड में यह सामने आया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा बहुत जगहों पर रॉन्ग एंट्रीज किया गया और भ्रष्टाचार करने का भी रिकॉर्ड सामने आया, जिसके बाद ये आंदोलन और भी मजबूत होता गया और विभिन्न शहर से सूचना का अधिकार की मांग बढ़ने लगा, जिसके कारण सरकार को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की लेजिस्लेशन संसद में लानी पड़ी और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना. नाउ लेट अस नो व्हाट इज इंफॉर्मेशन. RTI एक्ट में इंफॉर्मेशन किसको कहा गया है उसको जान लेते हैं. RTI एक्ट 2005 की सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया, जिसमें किसी प्रकार की रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, मेमोस, ईमेल्स, प्रेस विज्ञापित, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स या किसी प्रकार के सरकारी कागजात, नमूने और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डाटा सामग्री जिसको स्टोर किया गया हो, ये सब इंफॉर्मेशन की डिफिनेशन में आते हैं. अब सवाल है, हु कैन सीक इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट. सेक्शन 3 ऑफ द RTI एक्ट सेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. इसका मतलब ये भी नहीं कि इंफॉर्मेशन मांगते समय आपको सिटीजन होने का प्रमाण पत्र देना होगा. हाँ, यदि CPIO यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एप्लीकेंट की आइडेंटिटी पर शक होता है, तो उस स्थिति में आवेदक की पहचान पत्र मांगा जा सकता है. एंड रिमेम्बर, अंडर RTI एक्ट, ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिसेस.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन किसी भी कॉरपोरेशन, एसोसिएशन, कंपनीज या कोई भी एनजीओ को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कानूनी संगठन तो है पर इंडियन सिटीजन नहीं। हाँ, अगर कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी किसी भी कॉरपोरेशन, एसोसिएशन, कंपनीज या एनजीओ से बिलोंग करता हो जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो उसको सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। अभी जान लेते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा नहीं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि ऐसे सूचना जिन्हें संसद या विधानमंडल यानी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को वंचित नहीं किया जा सकता, वैसे इंफॉर्मेशन आम नागरिकों को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन दैट कैनॉट बी डिस्क्लोज विच कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ द आरटीआई एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन खुलासा करने से भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, रणनीतिक, आर्थिक या वैज्ञानिक हितों को और विदेशी राज्यों के संबंधों को प्रभावित करता हो, वैसे इंफॉर्मेशन आम नागरिकों को नहीं दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि सेक्शन 11 में उल्लेख किया गया हो, जो थर्ड पार्टी से संबंधित हो, वैसे इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की सहमति के बिना खुलासे नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, आरटीआई फाइल करने के बाद यदि लोक सूचना अधिकारी को लगता है कि मांगी गई इंफॉर्मेशन देने पर गैर कानूनी तरीके से उन इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है, उस स्थिति में भी लोक सूचना अधिकारी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसी सूचना जो निजी गोपनीयता का उल्लंघन करता हो, या फिर ऐसे सूचना जिससे दूसरे का जीवन या उसके स्वतंत्रता को खतरे में डाल देते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। आम आदमी के लिए आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप कोई भी सरकार से काम करने का रिकॉर्ड्स मांगकर सवाल पूछ सकते हैं। बाय फाइलिंग आरटीआई पिटीशन, सिटीजन कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस इश्यू एंड दिस विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, चेक करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर डिस्कस इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ फाइलिंग आरटीआई, अपील कब और कैसे करते हैं और 2019 में जो अमेंडमेंट लाया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में आरटीआई एक्ट के बारे में जागरूकता बढ़े। और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बाय प्रेसिंग बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।